स्टेशन के अंदर उसको डालना चाहिए और उसको ये खाली यूं नहीं छोड़ देना चाहिए। ये सरकार जो है इसके ऊपर ध्यान दे कि मूली को भी जो है उसके ऊपर भी कॉम्पनसेशन मिले। और अध्यक्ष जी, जो गेहूं है और सरसों है, कम से कम 70,000 रुपये प्रति एकड़ जो है उनको कॉम्पनसेशन मिले, क्योंकि जो है लागत आजकल इतनी ज़्यादा हो गई और किसान भाई वहाँ पे सारे त्राई त्राई कर रहे थे। दूसरी बात ये है कि ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, जिसके तहत जो किसान भाइयों ने जो है अपना प्रीमियम दिया है, प्रीमियम देते समय तो पूरा का पूरा प्रीमियम ले लिया जाता है, लेकिन जब वो क्लेम करने जाते हैं तब 20% भी पूरा नहीं मिलता। अध्यक्ष जी, इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, ये जिस तरह से गिरदावरी करी जाती है या ऊपर से खिलवाया जाता है या भगवान जाने क्या होता है, 75% से ज्यादा जो है खराबा दिखाया नहीं जाता। जब आज के दिन अगर वहां जाके आप देखो, लोहारू में, बाडड़ा में, इधर महेंद्रगढ़ के अंदर 100% से ऊपर जो है जो ये है पूरा का पूरा ये हुआ हुआ है। साथ ही साथ तो इसलिए मूली को भी अध्यक्ष जी मैं चाहूंगी कि उसको भी जो है इसके अंदर लिया जाए। साथ ही साथ अध्यक्ष जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे एग्रीकल्चर मंत्री जो हैं वो 25 जनवरी को संडवा गांव है एक हमारा, वहाँ पर गए थे। वहाँ पर जो है पाइपलाइन जो है निगाना सिवानी लिंक कैनाल जो है उसकी जो कैपेसिटी है उसको बिल्कुल घटाकर 100 क्यूसिक से घटाकर 21 क्यूसिक कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं पानी की कितनी किल्लत है। डीजी विजिलेंस को भी, शत्रुजीत जी को भी गांव वाले जो हैं 31 जनवरी 2022 को मिले, वो जो पाइपलाइन डाली जा रही है, कहने के लिए तो ये है हर टेन तक पानी, लेकिन जो वो पाइपलाइन डाली जा रही है इतनी बुरी तरह से लीकेज हो रही है उसके अंदर, कौन वो जो ठेकेदार उसके ऊपर काम कर रहा है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है ये मैं जानना चाहती हूँ। आज तक जो है उसके ऊपर कोई बात संज्ञान नहीं लिया गया है। और जब मंत्री के खुद के शब्द हैं कि 6 दिन के अंदर अंदर मैं कैपेसिटी पानी की बढ़वा दूंगा और जो है इसके खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी करवा दूंगा, आज तक वो काम नहीं हुआ है, तो तुरंत जो है इसके ऊपर भी जो है काम किया जाए। अध्यक्ष जी, काम जो है हमारा एक ढाणी बलवाना है, वहाँ पर पानी की इतनी किल्लत है कि हम जो है वहाँ पे त्राई त्राई हो रही है। वो कह रहे हैं कि ढाणी महू वाटर वर्क से सिमली वाटर वर्क जो है वहाँ पे एडिक्वेट जो है सप्लाई उनको जो है गांव बलवाना में नहीं मिल रही है, तो वो जो है सारा का सारा बढ़ाया जाए। अब पॉलिसी डिसीशंस के ऊपर मैंने बात करनी थी, लेकिन अब क्या करें, इलाके की जो है बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं, बहुत सारे पुल ऐसे हैं जो बिल्कुल पूरी तरह से जर्जर हालत में, तो उनको मैं जो है टेबल के ऊपर ले आउट करूंगी क्योंकि इतना समय नहीं है अध्यक्ष जी। साथ ही साथ गेस्ट टीचर्स की बात कही गई, आंगनवाड़ियों की जो है हमारी बहनें जो हैं वो इतना बुरा हाल उनका हो रहा है, सरकार उनको उनकी डिमांड भी कंसिडर करी जाए, पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट गेस्ट टीचर्स की तरह जैसे उनके ऊपर भी उनकी भी डिमांड्स करी जाए। और जो हरियाणा रोडवेज में स्ट्राइक के दौरान जो एम्प्लॉयज ने जो स्ट्राइक करी थी, तो उनके ऊपर भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से जो है थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। इसी तरह से चौकीदार जो हैं उनका रेगुलराइजेशन और ग्रांट और उनकी जो सारी फैसिलिटीज हैं उनके ऊपर भी दिया जाए। ये पुरानी चीज़ें हैं अध्यक्ष जी, इनके ऊपर जो है सरकार को पूरी तरह से संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही साथ जो ये डिमांड्स हैं ओबीसी कमीशन की फॉर रिकंसिडरेशन एंड विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नंबर 491, वो जो है जिसके अंदर 2 इनकम स्लैब्स जो हैं वो उन्होंने बना दिए हैं, उसके जो है वो ये ओबीसी कैटेगरीज के लिए ठीक नहीं है। तो ये जो है पूरी तरह से सरकार को पॉलिसी डिसीशन लेना चाहिए और सही तरीके से देखकर इसको भी दोबारा से सही करना चाहिए। अध्यक्ष जी, आज सुबह ही मैंने एक पढ़ा कि बाड़ा के अंदर जो है 1.6 करोड़ जो है रुपया का एम्बेजलमेंट हुआ है बीडीपीओ ऑफिस बाड़ा के अंदर। तो ये हाई लेवल एसआईटी जो है गठित होनी चाहिए ताकि पता चले कि वहां पर किस तरह से इतना 1.6 करोड़ रुपया जो है उसका एम्बेजलमेंट हो रहा है। ये तो कमाल ही हो गया। और पीडीपी ऑफिस के अंदर तो सरकार इसके ऊपर भी संज्ञान ले, और ये सारी जो आज बातें हम यहाँ कह रहे हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, अध्यक्ष जी ये आपने नोट तो करवा दी है, लेकिन ये ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर सरकार को जवाब देना चाहिए। कोई भी ऐसी बात नहीं कही जो जवाब देने वाली बात ना हो। और ये जो सड़कें हैं, जैसे बीएनआर की सड़क अलग है और मार्केटिंग बोर्ड की जो है, मेरी मार्केटिंग बोर्ड की 15 ऐसी सड़कें, बीएनआर की जो है वो 8 ऐसी सड़कें, नहरों के ऊपर पुल जो जर्जर हालत में है वो इस तरह से 6 हैं मेरे इलाके के अंदर, और जो है लीकेज हो रही है वाटर वर्क्स के अंदर, पब्लिक हेल्थ के जो वाटर वर्क्स हैं उनके अंदर भी है, मेरे 7 ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पूरी तरह से लीकेज हो रही है।
तो उसका भी पब्लिक हेल्थ को जो है उसका संज्ञान लेना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।